आज अपन बनाएंगे एक जोरदार फटने वाला और यूनिक हथौड़ा बम, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अपने को चाहिए खाली माचिस की डिब्बिया, जो कि इसके तीलियों को भी आगे अपने को यूज में लेना है। कुछ इस तरीके से मैं रेड फास्फोरस जहाँ पर लगा होता है वो आज जगह मैं काट लूँगा, कुछ इस तरीके से। क्योंकि रगड़ने वाले हिस्से को अपने को कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद वो ज़्यादा ठीक होता है, इसीलिए अपन एक उसका उसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, कुछ इस तरीके से उसका एक सीट निकाल कर दोनों साइड से निकाल लेना है, दोनों का। उसके बाद उसको आधा काट लेना है, कुछ इस तरीके से इसका गोल बना लेना है और फेमिकॉल से चिपका देना है, कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ और मैंने बहुत सारे इसी तरीके से बना लिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक अपना परफेक्ट बन चुका है, उसको सूखने देना है अच्छी तरीके से। ये सूख चुके हैं, इसके बाद अपने को क्या करना है, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना है, कुछ इस तरीके से कैंची की मदद से उसको राउंड बना लेना है, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट हटाकर। देखिए अपना एक बन चुका है, इसी तरीके से अपने को सभी बना लेने हैं। मैंने दो बना लिए और बहुत सारे भी कुछ इस तरीके से मैं बना लूँगा जल्दी जल्दी, जो कि मैंने बहुत सारे बना लिए कुछ इस तरीके से राउंड, जो कि अपना बर्थडे में अपन कैप यूज़ कर दे वही उसी के जैसा बनाना है। और माचिस की तीलियाँ मैंने पहले निकाल ली थी, उसको कुछ इस तरीके से कटर की मदद से जो आगे वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पर बारूद लगा होता है, जहाँ पर मसाला लगा होता है, उसको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फटाकों की वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी का निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से मसाला। इतने सारे मैंने मसाला निकाल लिया है जो कि अपना। इसके बाद अपने को चाहिए होगा क्रैकर्स, जो कि मैंने बिजली क्रैकर्स लिए है, उसकी बत्ती निकाल कर उसका जो कि आग उसके अंदर का भी बारूद अपने को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होगा क्योंकि ये ज़्यादा साउंड भी ज़्यादा करेगा। देखिए बहुत सारा मसाला मैंने निकाल लिया है तीन क्रैकर्स में से। इसके बाद अपना दोनों मसाले रेडी है, जो कि अपना माचिस वाला और अपना बारूद वाला। कुछ इस तरीके से दो तीन डालने के बाद इसके अंदर अपने को मसाला भी भरना है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भरना होगा। देखिए इस तरीके से मसाला उसके अंदर भरने के बाद उसको मेरी उंगली को कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करना होगा, जिस तरीके वो मसाला अंदर तक जा पाए। मैं मसाला भरकर एक बनाकर आपको दिखाऊंगा। काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए जो कि छोटा छोटा जो कि वही हिस्से जो कि अपन ने गोल बनाने में इस्तेमाल किया था जो कि माचिस का, उसी को मैंने कुछ इस तरीके से नीचे की साइड से पैक कर दिया है। इसके बाद मैंने बहुत सारे कुछ इसी तरीके से बना लिए जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसका, जो कि कागज़ वाला, उसको अपन काट लेंगे कुछ इस तरीके से। काफ़ी आसान है यार बनाना, आप जल्दी बना लोगे। देखिए मैं जल्दी जल्दी उसका एक्स्ट्रा पार्ट हटा देता हूँ, जो कि आगे का स्टेप जो कि मैं अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर टेपिंग भी कर दी मैंने कुछ इस तरीके से। काफ़ी मस्त दिखाई दे रहे हैं अपने क्रैकर्स। चलिए देखते हैं इसकी टेस्टिंग। एक मैंने रख दिया है कुछ इस तरीके से, दो कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि स्लो मोशन और जो कि वैसे। एक तो फुस निकल गया जो कि आगे जाकर यहाँ पर आ चुका था मेरी तरफ, और दूसरा वाला काफ़ी ज़ोरदार फटा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी मस्त फट रहा है अपना हथौड़ा बम, बहुत जोरदार फट रहा है अपना हथौड़ा बम। ये वाला बहुत ज़बरदस्त था,
काटने के बाद एकदम से आग लग जाती है अपने क्रैकर्स में। देखिए काफ़ी मस्त फटता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।